साहब कल खाना नहीं। कारगिल में जब उठे तो 15 दिखा रहा था और यहाँ आते आते 4 तक आऊँ। जरा ये देखो क्या भालू है, क्या कौन से जानवर है, इसके पैरों की पैरों के निशान देख रहे हो आप कितने बड़े हैं। ऐसी वादियों के अंदर आप चाय और सुबह सुबह अपना ब्रेड ऑमलेट खाओ तो क्या मजा आता है। तो भाई सोनमर्ग से ले जाने के लिए तो फंसे ही फंसे थे, रास्ते बंद थे। अब ये अपना ये लगा लो गाजी कुंड बनियाल जाने के लिए भी रास्ते बंद कर रखे, वादियों से निकल के जंगलों में आ चुके हैं, क्योंकि अभी हम आए नाका तोड़ के और अब वापस उस रास्ते से जा नहीं सकते क्योंकि अपनी गाड़ी एकदम हाईलाइट। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारगिल। तो वही पैकिंग चल रही है, जस्ट निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 7 और 8:30 बजे के करीब। कह तो रहे हैं कि वो जोशीला वाला रास्ता जो है आज यहाँ से जाने के लिए है, अब वो तो जाके ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। दिखाते हैं आपको जाके क्या कंडीशन है आज। वेदर तो साफ ही है, चल चलाती धूप निकल रही है एकदम बढ़िया। पहुँचते हैं और फिर आपको बताते हैं। भाई आज है ट्रिप का 11वां दिन। वापस जाते टाइम थोड़ा सा ऐसा होता है कि क्या ही करना है, क्या वीडियो बनाए, क्या करें, बस घर पहुंचो। बट नहीं, आज थोड़ी सी है अलग सी एनर्जी है। जो वापसी का रास्ता है ना सेम है, बट हाँ इसको बोर नहीं होने देना। जो भाई जोशीला बाबा जाते टाइम हमारे साथ कॉफी तो हम पीते ही है, बेवजिला जोशीला भाई साहब। कल खाना नहीं खाया, कल वॉइस रेजिडी हमारे साथ सही खतरनाक, एक एक चॉकलेट पे जिंदा रहे कल रात को। तो कल जो दिन में हमने डोसा और मोमोज खा लिए थे तो हाँ। उसकी बदौलत है वो लेके अंदर उसके वो ही चल पाया है। और अभी तक भी हम देख लो कि सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं, 7:30 हो गए। अब तो पहले हमें वो पार करना है क्योंकि उसके चाय के चक्कर में रुके ना और वो बंद हो गया तो फिर और गए, फिर गए आज का दिन पूरा यही, और कल का वो आने वालों का है फिर परसों तक बंद। द्रास रह गया है अभी 10 किलोमीटर, द्रास के आगे आएगा अपना मीनामर। मीनामर से जो है ट्रैफिक छोड़ते हैं, जैसे सोनमर्ग से वापसी वहाँ से आते टाइम सोनमर्ग पे रोक देते हैं ना, यहाँ मीनामर है तो बस उसको क्रॉस करना है। और एडवाइजरी तो कल यही आई थी कि 8:30 बजे यहाँ से छोड़ना शुरू कर देंगे, देखते हैं। क्योंकि आते टाइम भी इनकी एडवाइजरी यही थी कि नहीं नहीं खुला नहीं खुला नहीं खुला, पर रास्ते खुल गए थे। तो भाई हम अपना द्रास पहुँच चुके हैं और जैसे कि आपको बताया था कि 1992 को जो भी मतलब बताया था ध्यान -60 क्या था, वर्ल्ड की सेकंड कोल्डेस्ट वो है अपनी जगह। फिर वो पहली तो वही है ओमियोकॉन, ओमियोकॉन सेकंड दी होगी रशिया की, वहाँ जाता है -73 गया हुआ है वहाँ पे भी किसी वहाँ पे। कारगिल में जब उठे तो 15 दिखा रहा था और यहाँ आते आते 4 तक चार पार ले जी साथी। आऊँ जरा ये देखो क्या भालू है, क्या कौन से जानवर है, इसके पैरों के पैरों के निशान देख रहे हो आप कितने बड़े हैं। मेरे को तो दिख रहे हैं, आप बताइए। बहुत बड़े बड़े निशान है पंजों के ना, ये देखो। अभी हम जाते हैं जोशीला पास की ओर है, हम अभी जोशीला की ओर जा रहे हैं, वहाँ ये दिखे इतने बड़े बड़े निशान पैर के, और ये पूरे उस पे आगे भी है पीछे भी है, ये देखो। देख रहे हो कैसे बर्फ की चादर बनी हुई और नीचे पानी बह रहा है इसमें। पता नहीं ऊपर इसमें एक्शन कैम में आ रहा है नहीं आ रहा है, सामने देख रहे हो आप, ये देखो ये कितने बड़े बड़े एवलांच आ रखे हैं। कभी जितने भी आपको पैच दिख रहे हैं ना गैप गैप दिख के, तो ये सारे एवलांच है सारे के सारे। देखो उसको हटा रखा है रोड को साफ करके ना, ये आला देखो आप, देखो कितना बड़ा है। अब बड़े तो सारे ही है, सब एक से बढ़कर एक है। भाई ये आगे गाड़ी आ रही थी अभी तो इसलिए पूरा पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया था 0 पॉइंट पे, और हम चल रहे हैं इस टाइम। आप देख के बताओ जरा लेफ्ट में ज्यादा बर्फ है कि राइट में है, मेजर करके बताओ जरा। ये देखिए ये आया होगा पूरा ना ऊपर से, ये यहाँ तक इन्होंने फिर बर्फ साफ करी है सारी पूरी, ये हटा रखा सारा का सारा, साइड कर रखी है ना, दबा रखी है। और अभी तो सारा आएगा ही नीचे ही आएगा, कितना तकड़ा आएगा आएगा नहीं एकदम से देखो तो ऐसा लगता है बर्फ उठ रही है ये वो फूल गई। हाँ फूल रही है, फ्लफी ऑमलेट हो रही है। तो और भाई 2 ही साल है बस आपके पास ये नजारे लेने के लिए, ये एडवेंचर फील करने के लिए।
हाँ फिर उसके बाद अब आपकी टनल चालू हो जाएगी, फिर कौन पूछ रहा है। अब जैसे अपना रोहतांग पास को ही देख लो ना, कौन जा रहा है आज टाइम रोहतांग पास, सब सिसु कोकसर अटल टनल की ओर से जाते हुए। ये देखो आगे शायद रोक दिया गया है, क्या हुआ है ये। तो इन्होंने वैसे ये बना रखा है कि भाई एक दिन आने का है और एक दिन जाने का है, लेकिन आ रही है फिर भी थोड़ी थोड़ी लोकल गाड़ी ना भाई। सुबह के 7 बजे के चले हुए और बज चुके हैं 10। पूरे 3 घंटे के बाद हम उसी अपने यादगार चेक पोस्ट पे आ गए जहाँ हमने 4 दिन बिताए हैं। और देखते हैं हमारा चेक पोस्ट वाला दोस्त है कि नहीं। हाँ, और मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी अभी बंद कर रखा है, देखो इतना ट्रैफिक सा हो रखा है। अब ऐसी तैसी में जाए, हम तो निकलने वाले हैं, जो तो आने वाला प्रवासी खड़े थे उस तरह खड़े है ना। तो हाँ तो क्योंकि हाँ देखो अभी हम दिखाते जो हमारा हाल था ना, वो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये लिया इसने चलान, जो बंदे आगे जा रहे हैं उनकी फोटो ले रहा है, कोविड का चलान। ये देख बंदे वगैरह चल अंदर, नहीं अंदर लेने तो चला। ये नहीं माना बंदा, नहीं माना बंदा, मैं फोटो खींच ली करा, फोटो खींच की जा बेटा अब तो जा। ये देखो गाड़ी वाला दोस्त खड़ा था हमारा, हमारा चेक पोस्ट। ये देखो गाड़ी है आगे तक है भाई साहब, जैसे हमें नहीं जाने दिया था वैसे। लेकिन अभी तो गाड़ी इतनी नहीं है, जो हमारे टाइम पे थी वो तो अलग ही मेला था। ऐसे ही हम अपना सुबह निकलते थे 9 बजे, यहाँ लाइन में लग जाते थे भंडारा खाने के लिए। जैसे लाइन में लगे हुए भंडारा खाने के लिए लग जाते, लेकिन भंडारा भी नहीं मिलता था, हमें खुद को बनाना पड़ता था। तो भाई चलो अपन तो निकल गए, अपना हुआ काम, आपा चाले अपने काम। तो भाई पूरे 3 घंटे के बाद अब गाड़ी अपनी जूनी जो रुकी है सोनमर्ग के थोड़ा सा आगे, क्योंकि आपको बताया ही जैसे कल रात से कुछ नहीं खाया है और अब आज सुबह भी भूखे ही चले हैं। और ये नाश्ता हमारा ब्रेकफास्ट है वादियों के अंदर, वादियाँ देख लो आप। ये मैं आपको एक बार दिखाऊँ, ये देखो ये लास्ट है बस, इसके बाद हमारा पॉइंट हट जाएगा। 150 किलोमीटर गाड़ी चली है 3 घंटे में, 144 ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर। अब देखते हैं यहाँ से आज कहाँ लगा पाते हैं। तो भाई जहाँ भी हम अपना ब्रेकफास्ट करने रुके हैं उसकी पीछे ही बैक साइड पे इतनी ही प्यारी नदी बह रही है, मैं आपको दिखाऊँ। देखो आवाज़ सुनो जरा, ये देखो व्यू ही अलग आ रहा है बिल्कुल। ऐसी वादियों के अंदर आप चाय और सुबह सुबह अपना ब्रेड ऑमलेट खाओ तो क्या मजा आता है। कैंप तो देखा ही होगा आपने, कितना बढ़िया था है नहीं, बहुत जबरदस्त। आपको दिखाया होगा मैंने भाई रिवर व्यू हमारा वो है आज का, हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हमने तो वापसी करा दी, खाली चाय और ब्रेड पी की आ गए जी, ऑमलेट लिया एकदम ठंडा बर्फ, और जो कि बिल्कुल पसंद नहीं है। बोला है उसको 4 बार कि भाई एक एक करके ले आइयो, इकट्ठा मत लाइयो, और वो लेके आया ठंडा। अब और बिहेवियर ऐसा, दोनों तीनों उठ के आ गए, मैनेजर एक वो वेटर था, नहीं गर्म है ये, गर्म है ये। मैंने कहा भाई देख ले यार क्या गर्म है, तो इनको खाना ही नहीं है, रहन दो, हटा 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 हटा। मैंने कहा हटा, कोई उल्टा हमसे कह रहे हैं इनको खाना ही नहीं है। मैंने कहा यार खाना नहीं होता, और उनको अब क्या ही बताते हैं कि हम तो कल दोपहर से एक वो डोसा खा के निकले हुए। और फिर वेटर था लड़का सा ही था, वो बड़बड़ाता हुआ चला गया, नहीं खाना नहीं होता, ये नहीं वो नहीं। मैंने कहा तू पैसे ले ले भाई, मैंने कहा मूड ना तेरा खराब करना हमारा घर। 9-10 दिन हो गए हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा मूड। तो कोई नहीं, अब देखते हैं आगे श्रीनगर में ही देखते हैं कुछ ना। श्रीनगर में सीधा लंच, सोच तो ये रहे थे कि श्रीनगर में लंच वगैरह करेंगे, पर हमने बाहर बाहर वाला रास्ता ले लिया, संबल होते हुए सीधे बाहर बाहर निकलेगा। अब देखो ये कहाँ जाके ज्वाइन करता है। देखो डिनर तो हो नहीं पाया ना, ब्रेकफास्ट हो पाया, अब क्या लंच भी है हमारे नसीब में? नहीं, फास्ट चल रहा है क्या हमारा? कोई बुरी नजर वाले तेरे मुंह काला। तो भाई हमें तो ये लगा था कि हम बार बार निकल जाएंगे और हाईवे पे चढ़ जाएंगे, तो हम बीच में फंस गए, तो गाड़ी ना चल रही है ना कुछ है। थैंक यू, जस्ट अभी अभी रोका JNK पुलिस ने, आके उन्होंने स्माइल करी नाके पे, हाथ मिलाया, उसके बाद सर डॉक्यूमेंट है, मैंने कहा सर है, फिर पॉल्यूशन है, मैंने कहा सर आप नंबर डालिए उस पर सारी डिटेल आ जाएगी, सब है आपके पास। मैंने कहा हाँ जी सर, ठीक है सर जाइए। ओए नहीं, गाड़ी में जगह नहीं है यहाँ, हर जगह आपको लिफ्ट, यार यहाँ ना हर जगह ना, मतलब पूरे रोड पे आपको ऐसे हाथ देते हुए दिख जाएंगे, रोको 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 रोको। अब आधी बार तो पता ही नहीं चलता वो कोई पर्ची कटवा रहे हैं कि लिफ्ट मांग रहे हैं क्या कर रहे हैं। हमारा तो बस चले, हम तो जुनैद को भी बाहर कर रहे हैं लेकिन कर नहीं सकते ना। तो भाई पूरे रास्ते तो खाना कहीं नसीब हुआ नहीं हमें,
अब हम पहुंच चुके हैं अपना श्रीनगर, श्रीनगर माइल्स। यहाँ पे हम पहले भी रुके हैं लेकिन अभी वो जो पहले वाला आउटलेट था वो तो हो गया बंद, अब ये दूसरा खुला है माइल्स करके। तो यहाँ हमने मंगाया था शानदार सा चिकन टिक्का मसाला, बटर नान और मोमोज अभी आ रहे हैं। लोग तो बाद में, पहले खाना खाए जरा, कल से खाए नहीं है, आपसे मिलते हैं बाद में, चक्कर खा के गिरते, चक्कर गिरने हो जाए। तो भाई लंच हो चुका है, आपको ज़्यादा बताया अभी कि टिक्का, चिकन टिक्का मसाला, बटर नान और मोमोज, स्वाद आ गया गगन चुम्बी एकदम, ऐसा लगा कि मजा आ गया। जो दिल्ली वाले वैसा तो टेस्ट नहीं था, लेकिन अब 10 दिन बाद में खाया ना तो वो बहुत अच्छा लगा। और हालांकि अपन चेस्ट के पीस खाते नहीं है पूरे टिक, उसमें चेस्ट के पीस थे लेकिन वो भी सब निपटा डाले। देख रहा हूँ कंप्यूटर हमारा कह रहा है माइल्स का खाना चुभ ना जाना। तो भाई जी के जंजाल से निकल के आ चुके हम हाईवे पे। ये आपका हाईवे है जो अवंतीपुरा वाला, अनंतनाग वाला हाईवे, यहाँ से ये बिल्कुल नाथ की सीध में आपको ले जाएगा काजीगुंड टनल और वहाँ से रामबन होते हुए सीधे जाओगे। तो भाई ये आखिरी वादियाँ देख लो आप कश्मीर की, अब आपको और क्या देखना है तो आप बताइए, क्या देखना चाहते हो तो आप बताइए जरा। पिछले 6 महीने से पहाड़ी पहाड़ दिखाए हैं आपको, पहाड़ दिखा रहे हैं आपको। अब देखो पहाड़ दिखा दिए, अंधे पहाड़ दिखा दिए, भूरे पहाड़ दिखा दिए, काले दिखा दिए, गंजे दिखा दिए, नीले पीले हरे सब दिखा दिए, गंजे पहाड़ दिखा दिए, चोचीले दिखा दिए, सब दिखा दिया आपको, बर्फ दिखा दी, हतियाली दिखा दी, गर्मी में भी बर्फ का एहसास दिला दिया। अब बताओ आगे अगला क्या देखना चाहते हो आप, तो जो आप बोलोगे वही आपको दिखाएंगे हम। या कोई ऐसे पहाड़ रह गए हो जो हमारी नजरों से बच रहे हो वो बता दो, तो वो बता दो। ये देखो, देख रहे हो बादल ऐसा लग रहा है जमीन से निकल रहे हैं एकदम। तो भाई सोनमर्ग से ले जाने के लिए तो फंसे थे रास्ते बंद थे, अब ये अपना ये लगा लो काजीगुंड बनियाल जाने के लिए भी रास्ते बंद कर रखे हैं। ये देखो मैं आपको ट्रैफिक दिखाऊं, ये देखो पूरी गाड़ियाँ साइड में खड़ी हुई है, ये भी, और वो आगे तक है लंबा जाम। अब भाई देखो एक क्या छोड़ते हैं, कब छोड़ते हैं, अब तो वो ना आदत सी हो गई है कि हाँ भाई बार बार ही अब तो हमें फंसना है, कहीं ना कहीं रुकना है। अब आगे बताएं रोड ख़राब है क्या है, कि उन्होंने क्यों बंद कर रखा, कह रहे हैं कि भाई छोड़ेंगे तो अभी आधे घंटे में छोड़ देंगे, नहीं तो कल तक भी नहीं छोड़ेंगे। तो भाई ये जो काजीगुंड शहर पड़ता है, इससे पहले जो ये आपका फ्लाईओवर वाला टोल आता है ना, मैं मतलब 8 में से 6 बार तो यहाँ रुका ही रुका हूँ, और वो इस वजह से क्योंकि आगे बनियाल पे जो काम चल रहा है, मतलब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तो ये फिर यहीं पे रोकना शुरू कर देते हैं। अब इनकी मर्जी है ये कब खोले, अब यहाँ से इकट्ठी एकदम गाड़ियाँ भागेगी तो भी ट्रैफिक तो होगा ही होगा। तो भाई कम से कम भी 2.5 से 3 घंटे बाद रास्ता नहीं खुला है, हम बस हमारी गाड़ी सबसे आगे थी, पुलिस वालों की एक गाड़ी वाले से जिद बहस हुई, मैंने रिक्वेस्ट किया जल्दी भगा इतना गाड़ी भगाई, मैं भागता हुआ आ गया हूँ पैदल, भीड़ चाल चल रही है, हमने नीचे से निकाली गाड़ी तो हमारे पीछे कम से कम भी 20 गाड़ियाँ चल रही है, गाड़ियों से निकल के जंगलों में आ चुके हैं। अब अंदर से जा रहे, जरा देख रहे हैं कहाँ से रास्ता है कहाँ से नहीं, क्योंकि अभी हम आए नाका तोड़ के और अब वापस उस रास्ते से जा नहीं सकते क्योंकि अपनी गाड़ी है एकदम हाईलाइट, देखते के साथ ही वो किलस जाएंगे और पुलिस वाले ना कि बेटा तुम इधर आ जाओ। देखो कश्मीर तो बहुत लोग आए होंगे लेकिन ऐसी जगह आए हो, देखो हम घूम रहे थे कश्मीर के एकदम लोकल हिडन कश्मीर हिडन जैम है। तो आज आपको नया रास्ता बताएंगे बनियाल जाने का, जब भी फंसो तो यहाँ से आओ, हम पहुँच ले पहले बस। रास्ता हमने पकड़ा है पुरानी वाली जौहर टनल का, यहाँ देखते हैं क्या हिसाब किताब है, नहीं तो घूम तो रही है, घूम लेंगे आज, और आज की रात वैसी खराब होनी थी तो घूमते फिरते कर लेंगे आज लोकल दिल्ली में घूमते हैं ना अपना, वैसे क्या पता अभी इसका वो सपना भी पूरा हो जाए, कोई भालू भूलू ढूंढ रहा था ये सुबह से, अब दिख जाए इसको, घूम ही जंगल में रहे तो क्या पता दिख जाए। ये है कश्मीर, कश्मीर की वैली जो अपन जौहर टनल से निकलते हैं ना, ये नजारा आपको तभी देखने को मिलता है आज हम नए रास्ते से जा रहे हैं। तो भाई अभी अपने को आज पता नहीं दिन कैसा है कैसा नहीं, बार बार ही ना हमें रोका जा रहा है, अब हम अपना जौहर टनल पे आ गए हैं जो कि बहुत ही कम, अब जो नया बंदा था कोई आता ही नहीं है, ये हम जब 2011-12 में आए थे तब इस रूट से निकले थे,
उसके बाद आज ये 24 में निकल रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि अब ये नया रास्ता बन गया है, तो उसके चक्कर में इधर से कोई आता ही नहीं है, तो सीधा वहीं बाहर बाहर चले आते हैं। और ये देखो आप घाटी को मैं आपको दिखाऊँ, ये रही, और अब से जो अगली बार करेंगे ना वो है टॉप, ऊपर जो देख रहे हो वो कह रहे हैं वहाँ पे स्पॉट है, नेक्स्ट टाइम यहीं का बनाना है। एक बारी कहता नीचे से परमिट लेना पड़ेगा आपको, ऊपर टॉप पे से वहाँ से परमिट लेके, कहते बहुत बढ़िया जगह, आप जाओगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे भी एक घंटे बाद उन्होंने खोला अपना ये ज्वाल टनल वाला है, जो सिंगल रास्ता है एक ही साइड है, तो ये दो टनल पर अभी इन्होंने सिंगल कर रखी है काम की वजह से, और एक टनल जो सिंगल कर रखी है ना उसमें बकरवाल चल रहे थे, जो अपने मवेशी वगैरह चलाते हैं ना वो, तो उस वजह से एक घंटा उनको लग गया ये 5-7 किलोमीटर क्रॉस करने का। यहाँ आना चाहिए, मैंने कहा जी हमें तो पता ही है, बस आना नहीं हो पाता कई बार, अब अगला जो भी ट्रिप मारेंगे यहीं का मारेंगे। ऐसे एकदम जंगल में से निकल रहे हैं, रात के 8 बज रहे हैं, छोटी सी रोड है, जिग-जैग चल रहे हैं, ये इस तरफ खाई है लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये इधर ये देख लो पूरा पूरा जंगल कर रहे हैं, जो आगे भाई जा रहे हैं ना कह रहे हैं भैया आ जाओ मेरे साथ साथ, जहाँ तक मैं जा रहा हूँ फिर आगे आपको बता दूंगा, वहाँ से आप निकल जाओ। ये भैया हमें शॉर्टकट बता रहे हैं, कहते हैं कि आप ना ट्रैफिक में फंसोगे ना कहीं, इनको खुद जाना दूसरे रास्ते से था, ये स्पेशली हमारे लिए कि नहीं आप मेरे पीछे लगाओ मैं आपको निकलवाता हूँ, निकलवाता हूँ फिर उसके बाद। तो भाई देखो जो लोकल जो है ना, जो कश्मीर में जो कश्मीर की मिट्टी से जुड़े हुए लोग, वो बहुत हेल्पफुल है भाई, बहुत ज्यादा हेल्पफुल। ये आपको देखे अंधेरे में क्या ही दिख रहा होगा, लेकिन बड़ा ही खतरनाक रास्ता है ये, तो हमने एक आध लेसन ले रखे हैं ऑफ रोडिंग के। हाँ हाँ, नया बंदा तो चमक जाए, मतलब अगर मैं होता ना तो मैं रिकमेंड नहीं करता ये वाला रास्ता वाकई। अब ये देखो आगे देखो गाड़ी खड़ी हुई है ही नहीं जगह, है ही नहीं दूसरी गाड़ी, कहाँ से पास होगी, जब रोड हो तभी तो पास हो पाए, सिंगल हाँ। निकल जाए वही बहुत है। हाँ। प्यास भाई है जिन्होंने भी पूरा रास्ता निकलवाया, सारा रास्ता निकलवा दिया हमारा पूरा का पूरा, मात्र थोड़ा सा रह गया है। तो फयाज भाई कह रहे हैं मैं फॉलो भी करूंगा आपको, इंस्टा पे भी देखूंगा, और ये ब्लॉग में भी आओगे फयाज भाई आप? ठीक है फयाज भाई, चलो ठीक है, ओके भाई। इनसे पहले एक उमर भाई थे, वो हमारे साथ साथ चले आगे, उसके बाद उन्होंने बोला कि ये पूरे 7 घंटे बाद वापस आ गए हैं NH 44 पे, अभी भी जाम खत्म नहीं हुआ, अभी भी कह रहे हैं कि आगे तो है अच्छा खासा जाम, बहुत ही बड़ा जाम हो रहा है, बहुत ट्रैफिक वाले होपलेस हो रखे हैं, पागल हो रहा है, हमें नहीं पता चल रहा कहाँ से गाड़ी आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, हमारी हद टेस्ट हो रही है बस बस, पर इन्हें ये नहीं पता हद करने में हम नकते हैं। धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है कि रोड तो दिख नहीं रही है, आगे जो गाड़ी चल रही है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना पड़ रहा है। चलते चलते रात के हो गए 12:30 और अभी हम पहुंचे अपना ये छेनानी टनल में, इसके बाद आएगा उधमपुर, 1 बजे के बाद से लेके अब 1 बज गए हैं रात के 12:30, 12 घंटे 12 घंटे से हम सिर्फ और सिर्फ आए हैं मात्र 150 किलोमीटर। मस्त कलंदर के शहर जलंधर में, और भाई कल कारगिल से निकले थे 7:00 और अभी भी सेम बज गए हैं 7, और दिल्ली है अभी हमारा 400+ कुछ किलोमीटर। तो भाई कम 12 दिन बाद हमें अपना ब्रांड कुछ हल्दीराम जैसा दिखाया, और दिखते के साथ ही हम पहुंच गए, देखो अपनी कैलोरीज जो हमने कम बर्न करी है वो फिर दोबारा उठाने के लिए। फगवाड़ा जलंधर हाईवे के ऊपर जो है आपका ये जगह का नाम क्या है, ईस्ट वुड करके जगह है, और ये देख लीजिए यार, मतलब सारे आउटलेट्स हैं यहाँ, मैकडोनल्ड्स, सबवे, बाबा चिकन, नेरुलाज, बेल्जियम वफल, बस्किन रॉफिन, KFC, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पे ना हो, सब है। तो भाई अगर इस हाईवे की तरफ से अगर आना जाना हो तो मस्ट
हाईली रिकमेंडेड। ठीक है जी, तो अब चलते हैं सीधे घर की। और अब आ रही है घर की याद, जितना पास आते जा रहे हैं ना उतनी ही ज्यादा याद आ रही है। दिल्ली दिल्ली भाई, उधर से सीधा जाके ठीक। और ये मौसम का मिजाज बिगड़ते हुए तो भाई जहाँ से शुरू हुए थे ना डी रूट, हमने यहीं से शंभू बॉर्डर से, फिर इसके बाद ये पूरे कश्मीर में भी रहे, लद्दाख में, कश्मीर में, अब वापस यहाँ पे। आई होप कि अब ये यहीं ख़त्म हो जाए, अगले ट्रिप पे डी रूट ना बने। वेलकम टू हरियाणा। और ब्रदर्स वापसी की और आए, और ऐसा ना कुछ मौसम अलग ना हो तो ऐसा हो सकता है। ये देखिए, और ये मेरे को लग रहा है कि ओले पड़ रहे हैं। देखो बर्फ, यहाँ बर्फ तो गिर नहीं सकती लेकिन ओले तो गिर सकते हैं बर्फ बन के, वो तो हो जाती बस। और ये दिल्ली के सारे बैरिकेड जो है ये सिंधु बॉर्डर पे लाके रख दिए गए हैं, और हम भी एंटर कर चुके हैं दिल्ली बॉर्डर के अंदर, मतलब अपने होम टाउन। तो भाई आई होप कि आप सभी को इस साल की जो पहली ले सीरीज है, मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी पहली ले सीरीज होगी, किसने डाले नहीं है अभी तक, वो आपको पसंद आएगी और आई होगी। और अगर कुछ भी पसंद आया हो तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करें, और ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहे। और ले 2.0 के लिए चलो वो क्या ही बताएं, वो छोड़ो। देखो भाई हमें तो खूब मजा आया, अब ये आपको बताना कमेंट करके कि आपको मजा आया कि नहीं आया। तो बस सफर हमारा आज यही खत्म होता है इस रियली सीरीज का। मुंह से आपको पता ही लग रहा होगा हमारे कैसे चेहरे एकदम निखर से निखर के आ रहे हैं, क्योंकि अब तुमको पता है ना कि भाई कितनी लंबी ड्राइव करके आ रहे हैं। कारगिल टू दिल्ली पॉसिबल ही नहीं है, जिसको हमने पॉसिबल करा है। 32 घंटे जिसमें 7-8 घंटे का जाम, 7 से 7 हो गए 24 घंटे, 7 के बाद अभी 2:30 बज रहे हैं, तो 3 मान लो कितने हो गए जाते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8, 31 घंटे हो गए भाई। 31 घंटे की ड्राइव जिसमें 7-8 घंटे का जाम, जिसमें 8 घंटे में गाड़ी हमारी चली होगी नाना करके भी कितनी, 50-60 किलोमीटर। हाँ बस बस, तो ठीक है, चैलेंजिंग था बट ठीक है, हम भी तो फिर हद करने में पीछे नहीं रहते। करो तो हद करने की तो प्रोग्राम रहना कर दो। अच्छा ऐसा नहीं है कि फटीग है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ थक रहे हैं या ना, कुछ ना, ऐसा तो पावरफुल है। मैं कह रहा हूँ कि फेस जैसे हमारे अब देख रहे हो बाल को इधर या उधर, और मेरा तो अलग ही दिख रहा है। हाँ इसको तो नहीं, तो टैनिंग मेरे तो बहुत ज्यादा हो रखी है इस टाइम। चलो ठीक है फिर मिलते हैं आराम से।